डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा O1, O2, O3 ओरिजिन है और उसमें D1, D2, D3, D4 में हमको अपना कमोडिटी जो फैक्ट्री में, ये ओरिजिन मतलब यहाँ फैक्ट्री है, तो ये फैक्ट्री में जो हमारा माल तैयार हो रहा है इसको हमको D1, D2, D3, D4 में सप्लाई करना है। तो टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ द गोडाउन, मान लीजिए ऑफ गोडाउन D1, D2, D3, D4 कितना होगा ना, 6 यूनिट, 10 यूनिट, 15 यूनिट, 4 यूनिट, टोटल सम इज 35 और सप्लाई क्या है, O1 का सप्लाई है 14 यूनिट, O2 का 16 यूनिट, O3 का 5, टोटल सप्लाई है 35। टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ गोडाउन या डेस्टिनेशन D1, D2, D3, D4 is 35 and supply is 35. तो इसको हम लोग A1, A2, A3, ना सिग्मा AI, I is 1, 2, 3 and B1, B2, B3, B4. यह इसको BJ भी लिख सकते हैं, J is 1 to 4, ये दोनों total sum है 35, तो therefore there exist, ये बैलेंस्ड है और देयर एग्जिस्ट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन होगा, यहां पर हम लोग को लीस्ट कॉस्ट मेथड से हमको सॉल्व करना है। तो लीस्ट कॉस्ट मेथड है क्या ना, हमको ये जो कॉस्ट वैल्यू दिया हुआ है 6415827, ये सभी कॉस्ट वैल्यू है। ये कॉस्ट वैल्यू क्या है ना, O1 से D1 जाने में पहुंचाने में हमारा जो 6 यूनिट कमोडिटी है, माल है, ये माल को हमको D1 में पहुंचाना है। O1 से D1 पहुंचाने में एक एक यूनिट कमोडिटी का कॉस्ट पड़ता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 6 यूनिट, और उसी तरह ये O1 से D2 जाने में 4 यूनिट, O1 से D3 जाने में 1 यूनिट, O1 से D4 पहुंचाने में 5 यूनिट, O2 से D1, इस तरह से ये कॉस्ट वैल्यू है। तो ये कॉस्ट वैल्यू में हम सबसे मिनिमम कॉस्ट को हम लोग देखेंगे। तो इस टेबल को हम लोग और एक बार यहां पर बनाएंगे, O1, O2, O3 और इधर होगा D1, D2, D3 और ये D4। तो ये वैल्यू हमको यहाँ पर इस टेबल को और एक बार बनाते हैं। तो ये कॉस्ट वैल्यू यहाँ पर ये इस तरह से लिखते हैं 6415, ये कॉस्ट वैल्यू है, 8 9 8 9 9 2 7, फिर 4 4 3 6 2, ये कॉस्ट वैल्यू हम लोग ऐसे कोना में लिखेंगे, कॉर्नर। उसके बाद यहां पर हमारा ये रिक्वायरमेंट कितना है, रिक्वायरमेंट है 6 यूनिट, 10 यूनिट, ये हमारा कमोडिटी माल का जो सप्लाई करेंगे, और ये हमारा रिक्वायरमेंट, ये टोटल हमारा रीम यूनिट बोला जाएगा, ये 6 10 15 4, ये हमारा यूनिट है, क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी बताता है, और ये 14 16 5, ये क्वांटिटी बता रहा है, ये इतना क्वांटिटी हमको माल सप्लाई करना है या रिक्वायरमेंट है। यहाँ 1 और 2 और 3 का हमारे पास ये सप्लाई है, 1 और 2 और 3 से ये सप्लाई है, और D1, D2, D3 का ये रिक्वायरमेंट है नीचे। अब हमारे पास है कि यहाँ लीस्ट कॉस्ट मेथड में हम सबसे कम वैल्यू देखते हैं, सबसे कम कॉस्ट क्या है, मिनिमम कॉस्ट यहाँ 6 4 1 है या मिनिमम कॉस्ट है 1 5 8 9 2 7 4 3 6 2,
तो मिनिमम कॉस्ट हम लोग देखेंगे वन पर है। इस वन में जो मिनिमम कॉस्ट है वहां मैक्सिमम जो एलोकेशन हो सके जितना हो सके वहां पर हम ट्रांसपोर्ट करेंगे उस जगह पर। उस सेल में हमारा क्या है, ये सेल में हियर मिनिमम कॉस्ट इज इन सेल क्या है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम सेल वन थ्री इज वन। ये अमाउंट मिनिमम कॉस्ट है तो इसलिए यहां पर हमारा क्या है वन से चौदह 14 है, डी थ्री का 15 है। तो यहां हमारा ये दोनों का मिनिमम वैल्यू देखेंगे तो 14 यहां पर सप्लाई करेंगे और इस तरह से हमारा वो वन कैंसल हो जाएगा, वो वन खत्म हो गया क्योंकि वन का हमारा 14 यूनिट सप्लाई है और ये 14 यूनिट यहाँ डी थ्री को हम सप्लाई कर दिए। अब डी थ्री का क्या अमाउंट बचता है, एक यूनिट बचता है और ये 14 यूनिट खत्म। अब नेक्स्ट हमारा आएंगे ये रो खत्म होने के बाद मिनिमम कॉस्ट हम लोग फिर देखेंगे। तो यहाँ तो ये दोनों जगह है, इस दोनों में हम देखेंगे, इस दो में अगर डालते हैं तो हमारे पास एक यूनिट जाएगा और इस दो में अगर डालते हैं तो यहाँ चार यहाँ पांच। तो हम इस दोनों में से आर्बिट्रेरी कोई भी एक चॉइस कर सकते हैं, इस दो को ले सकते हैं या इस दो को अगर पहले लेते हैं तो वन यहाँ डाल सकते हैं, इस क्या इधर 16 इधर वन बचता है ये वन डाल सकते हैं। अगर इस दो को लेते हैं तो यहाँ पर हमारा 4 और इधर 5, तो बेहतर होगा इस दो को पहले चूज करते हैं। तो यहाँ पर 4 यूनिट जाएगा तो ये 4 कैंसिल या एक बचेगा और उसके बाद हमारा क्या है ना, ये डी फोर भी कैंसिल हो गया, डी फोर और वन कैंसिल। अब बचता है हमारा ये कैंसिल है, वो वन और डी फोर हमारा कैंसिल है। तो अब हमारे पास बचता है वन डी फोर बच हटने के बाद मिनिमम कॉस्ट यहाँ पर बचता है। यहाँ पर हमारा क्या है ना, इधर एक बचता है इधर 15, तो यहाँ वन ही डाल सकते हैं। वन डालेंगे तो ये खत्म, फिर डी थ्री खत्म, डी थ्री डी फोर खत्म, इधर वन रो फिनिश हो गया। उसके बाद हमारा डी थ्री डी फोर ओ वन कैंसिल होने के बाद ये बचता है, इस दोनों में हमारे पास एक यहाँ चला गया तो यहाँ 15 बचता है। इस तीनों में हमारा मिनिमम कॉस्ट यहाँ 3 है, 3 में हमारा क्या है ना, इधर है 10 इधर है 1, तो यहाँ 3 में 1 ही डाल सकते हैं। तो ये यहाँ पर 9 हो जाएगा और इधर 1 कैंसिल, तो O3 कैंसिल, अब O2 बचता है, O2 और D1 D2, तो इस दोनों में 8 और 9, 8 में हम अगर मिनिमम देखेंगे तो 8 है, इधर 6 है और इधर 15 है, तो हम यहाँ 6 डाल सकते हैं और 6 डालेंगे तो यहाँ बचता है 9 बचेगा और उसके बाद ये फिर कैंसिल है, बचता है सिर्फ यही बचता है ना, O2 का बचता है और D2 बचता है, ये चीज ये जगह पर देखा जाए तो इधर इधर ये दोनों से बैलेंस हो गया, ये 9। और इस तरह से हम लोग ये कॉस्ट वैल्यू डाल सकते हैं। तो हमारा मिनिमम कॉस्ट क्या हो गया, मिनिमम कॉस्ट इस मेथड से हो गया हमारा 4 मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इन दिस प्रोसेस, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इन दिस मेथड इज इक्वल टू 14 रो से देखेंगे 14 इंटू इज इक्वल टू 14 इंटू 1
प्लस 6 इंटू रुपीज 8 प्लस 9 इंटू रुपीज 9 इंटू रुपीज 9 प्लस 1 इंटू रुपीज 2 ये कॉस्ट होता है, ओके? इस मेथड से 136 रुपीस कॉस्ट बनता है। इसका सॉल्यूशन अगर बोला जाए, एंड सॉल्यूशन इज क्या होगा? द एक्स 13 इज 14, x21 is 6, x22 is 9, x32 is 1, x34 is 4. Thank you.